कोलकाता केस को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। बता दें आपको कि अभी अभी प्रिंसिपल संदीप घोष की बीबी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद ये पूरा का पूरा केस सॉल्व हो चुका है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है, बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। दरअसल बता दें कि जब से संदीप घोष की बीबी ने यह खुलासा किया तब से सीबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। संदीप घोष की बीबी के खुलासे के बाद सीबीआई बहुत गुस्से में है और सीबीआई ने कहा है कि अब इस केस से रिलेटेड हमें जिन जिन लोगों पर शक है उन पर हम सबूत इकट्ठा नहीं करेंगे बल्कि सीधा गिरफ्तार करेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। इसको सुनने के बाद यकीन मानिए आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल बता दें कि प्रिंसिपल की बीबी ने जो बयान दिया है उस बयान को देखने के बाद, सुनने के बाद हर एक इंसान का दिल पसीज जाएगा। डॉक्टर बिटिया के पैरों को जब चीरा गया था, हाथों को जब तोड़ा गया था और गले को जब दबाया गया था, तो इन सभी चीज़ों की एक एक डिटेल आज आपको ऐसी जानने को मिलेगी जो आपको पहले पता ही नहीं था। दरअसल अभी जो खुलासा हुआ है उस खुलासे में ये बात साफ हो गई है कि बिटिया रानी के साथ जो भी जघन्य चीज़ें हुई थी वो जघन्य चीज़ें दरअसल हॉल में नहीं हुआ था। जी हाँ, बता दें आपको कि बड़ी खबर आ रही है कि सेमिनार हॉल एक बहाना था इस पूरे कांड को उसके पीछे छुपाना था। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बिटिया रानी की चीज़ों को बताया गया था कि सेमिनार हॉल के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं था। और इसको लेकर के सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत और सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लग चुका है, जिसको यकीन मानिए जब आप देखेंगे, जब आप इस वीडियो में सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। सीबीआई ने कहा है तभी तो हम एक महीने से इस केस की जाँच कर रहे हैं और हमारे हाथ कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि जिस सीसीटीवी को हम खंगाल रहे हैं दरअसल वह पूरी तरीके से फेक है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जिस सीसीटीवी की तलाश हमें एक महीने से थी वह दरअसल किसी और के नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर से मिला है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। इस खबर को लाने में और इस बड़ी अपडेट को सबसे बताने में जो सबसे बड़ा हाथ है वह खुद प्रिंसिपल की बीबी का है। दरअसल प्रिंसिपल की पत्नी ने जो खुलासा किया है और सीसीटीवी फुटेज का जो क्लिप सीबीआई के सामने सौंपा है उसे देखने के बाद पूरा केस दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, शीशे की तरह साफ हो गया है। कितने लोग इस केस में मौजूद थे, सच में कोई और था या नहीं, और कैसे बिटिया रानी के साथ जघन्य अपराध करने के बाद उसे हॉल के अंदर पहुंचाया गया और कैसे हॉल के अंदर पूरा सीन क्रिएट किया गया और आखिर कैसे ये संजय राय जैसा एक अलग से व्यक्ति हमारे सामने परोसा गया, इसकी पूरी जानकारी आज सीबीआई ने निकाल लिया है। यकीन मानिए संदीप घोष जो प्रिंसिपल है उसकी बीबी ने ये कर दिखाया है। उन्होंने कहा है कि आखिर एक औरत दूसरे औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा, और इसी के कारण आज सीबीआई के सलाखों के पीछे लगभग 20 लोग जाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर पूरा माजरा है क्या, संदीप घोष की बीबी ने कौन सा सीसीटीवी फुटेज दिया है और उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर किन लोगों की पहचान की गई है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि सीबीआई किन 20 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए निकल गई है, और यही नहीं आखिर संजय रॉय की जो कहानी थी वो कितनी सच और कितनी झूठ थी, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें, साथ ही साथ बिटिया के इस वीडियो को एक लाइक कर दें। आपके लाइक करने से तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जब आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बिटिया रानी का आत्मा जहां भी होगा उसे लगेगा कि हमारे साथ आज करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप आज मेरे लिए न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें वो अकेले नहीं बल्कि भारत के हर एक भाई बहन मौजूद हैं। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके बिटिया रानी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो दरअसल बता दें कि सीबीआई लगातार एक महीने से इस पूरे केस को खंगाल रही थी, लेकिन इस केस की जो पूरी कुंजी थी वो किसी और के पास नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल संदीप घोष की बीबी के पास था।
प्रिंसिपल संदीप घोष की बीबी ने जानकारी देते हुए बताया है कि उसके पास एक ऐसी सीसीटीवी है जिसके कारण पूरा का पूरा केस दूध की तरह साफ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जब संदीप घोष हॉस्पिटल पहुंचा था सुबह, तब का जो फुटेज सीबीआई के सामने दिया गया था, उस फुटेज के अलावा भी एक फुटेज हाथ लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि दरअसल बिटिया रानी, मतलब कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, दरअसल वो हॉल में हुआ ही नहीं था। इसीलिए तो सीबीआई जब उस हॉल की पूरी जांच पड़ताल कर रही थी तो उसे उस हॉल में वो सभी चीज़ें मिली, वो सभी दृश्य दिखे, जिससे ये लगता है कि यहीं पर बिटिया रानी के साथ गलत किया गया था। लेकिन वहाँ पर जो उसके सामने जो सबूत सामने आए सीबीआई के, वह सबूत इतने ठोस नहीं थे कि संजय रॉय तक को फांसी की सज़ा दिलवा सके। इसीलिए सीबीआई को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इस केस में ऐसा क्या है जो हमसे छूट रहा है। दरअसल इस केस का पूरा जड़ ही यही था कि उस हॉल में नहीं बल्कि ऑफिस के अंदर जघन्य अपराध हुआ था। जी हाँ, बता दें आपको कि बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि दरअसल जो जघन्य अपराध किया गया था वह कहीं और नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर किया गया था। जैसे ही ऑफिस के अंदर जघन्य अपराध किया गया, तुरंत उस ऑफिस से बिटिया रानी को घसीटकर सेमिनार हॉल में पहुंचाया गया। और सबसे पहला काम जो किया गया वो ये किया गया कि पूरे ऑफिस को पानी, फिनाइल और केमिकल के द्वारा, डिटॉल के द्वारा धुला गया, पूरी रात धुला गया, साफ किया गया। और इसके बाद सेमिनार हॉल के अंदर जा कर के पूरा एक सीन क्रिएट किया गया, जैसे एक फिल्म का सीन होता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें हुई, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। ये सभी चीज़ें संदीप घोष ने संजय रॉय से करवाया। जब संजय रॉय ने वो सभी काम कर लिया तो उसे सब चीज़ याद हो गया कि हाँ कौन सा काम कैसे हुआ था, जैसे पैर को फाड़ना, हाथों को तोड़ना, गले को दबाना, आँख में शीशे का घुस जाना, मुंह पे लात मारना, पेट पर लात मारना और शरीर के हर एक अंग को तोड़ना, ये सभी काम उसने वहाँ पर प्रैक्टिस किए, जिससे जब सामने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उससे पूछे तो वो सही तरीके से बता पाए। और जब उसकी जांच जा कर के डिपार्टमेंट करवाए तो उसे पता चले कि हाँ ये सभी चीज़ें सही थी। आखिर तभी तो आप सोचिए कि संदीप घोष जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इस केस में किसी भी प्रकार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पूरी दुनिया को बता दिया था कि हाँ ये सुसाइड है, जबकि ये ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए आप ये कैसे कह सकते हो कि बिटिया रानी ने खुद को ख़त्म किया है, जबकि वह पहली बार में प्राइमरी फेसिया से ही वो लग रहा था कि यह दरअसल खुद से किया गया नहीं बल्कि कई लोगों के द्वारा किया गया कांड है। और इसे तुरंत ही एक झटके में आत्मदाह या फिर आत्महत्या इसलिए बताया गया ताकि इस केस को यहीं दबाया जा सके। लेकिन जब यह केस नहीं दबा तो खबर आ रही है कि संदीप घोष ने अपने वफादार संजय रॉय को पैसा दिया और इसके बाद कहा कि अब तुम्हें जैसे जैसे रात में बताया गया था ठीक उसी तरीके से ये सारा केस अपने ऊपर ले लो, मैं बाहर रहूंगा तो तुम्हें भी बाहर खींच लाऊंगा। और ऐसा ही कुछ होने वाला था। पुलिस को जब बुलाया गया और उस सीन को दिखाया गया तो वहाँ पर पुलिस के अलावा कई सारे लोग मौजूद थे। हालांकि डिप्टी एसपी या फिर एसपी ने यह इस बात का सफाई दिया कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो वहाँ मौजूद होने के लायक थे। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है उसके सुनने के बाद तो किसी भी इंसान की आँखों से आंसू आ जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि पीड़िता की मां ने साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस इस केस को उसी दिन दबा रही थी जिस दिन मैं अपनी बेटी को देखने गई थी। जरा आप उस मोमेंट को फील कीजिए, जरा आप सोचिए कि एक पीड़िता के मां के कलेजे पर क्या बीता होगा जब वो वहां पर गई तो सबसे पहले उसे झूठ बोलकर बुलाया गया, फ़ोन में कुछ और बोला गया और वहां हुआ कुछ और था। जब वहाँ पर पहुँची तो उसकी बेटी से उसे 3 घंटे तक नहीं मिलने दिया गया। यहीं पर सबसे मार्मिक ढंग आता है। दूसरी बात, जब उसकी बेटी से उसे मिलने दिया गया तो वो भी कुछ समय के लिए दिया गया ताकि वह पूरी तरीके से अपनी बेटी को ऑब्जर्व न कर पाए। यही नहीं, जब ये सब चीज़ें हो गया तो सबके द्वारा ये बताया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था कि दरअसल तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ ही नहीं है,
उसने खुद ही सब कुछ किया है। लेकिन एक माँ तो माँ होती है। वो बोली कि मैं अपनी बेटी से कुछ देर पहले बात की थी, वो बहुत खुश और बहुत सही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? हम उसकी शादी की बात कर रहे थे, शादी के लिए लड़के ढूंढे जा रहे थे, और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि उसी ने सब कुछ किया? ये असंभव है। जब पीड़िता की माँ ने यह बात उठाई तो पीड़िता के घर वालों ने दबाव मतलब कि पीड़िता के घर वालों के ऊपर पुलिस के द्वारा दबाव बनाया गया। ये किसी और ने नहीं बल्कि पीड़िता के घर वालों ने ही बताया। उनका कहना है कि पुलिस ने हम पर पहले यह दबाव बनाया कि मामले को रफा दफा किया जाए, फिर जब ये मामला न बना तो उन्होंने एक सादे पेपर पर साइन कराने की कोशिश की, लेकिन उनके परिवार वालों ने पेपर को पुलिस के सामने फाड़ के उनके मुंह पर फेंक दिया। और फिर क्या था, फिर उनकी मां कन्फर्म हो गई कि जब पुलिस दबा रही केस को तो ज़रूर केस कुछ और है। तो यहाँ पर ज़रा आप एक बार सोचिए और गौर कीजिए कि अगर प्रिंसिपल संदीप घोष इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते तो एक प्यून को मतलब एक नौकर को वो क्यों बचाते हैं? ये कोई स्कूल के प्रिंसिपल नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होना एक बहुत बड़ा पद होता है, इसमें कई सारे बड़े अधिकारियों के समान आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपने यहाँ पर एक वॉलेंटियर को क्यों बचाएगा? उसको इतना फेवर क्यों करेगा कि पुलिस भी दबाव डाले, वो भी पैसे देकर बचाए और साथ ही साथ पूरे केस को रफा दफा करने की कोशिश करे, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम हुए बगैर ही खुद की जॉब पर रिस्क लेकर के क्यों बोलेगा कि यह आत्महत्या है? आप खुद सोचिए और सारी कड़ी को एक से एक जोड़िए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में यह केस जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है ही नहीं। दरअसल प्रिंसिपल की बीबी ने जो फुटेज दिया है उस फुटेज में साफ है कि किसने क्या किया है, और अब जो गिरफ्तारी होने वाली है उसकी संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी।